यह है अपना सेंटा जो कि आपको मिलेगा अपने वीडियो में देखने के लिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? दुबई से, मेरा नाम है राकेश यादव। मैं अपने भाई के साथ टूर पे आया हूँ दुबई पे। ये देखो अभी मैं आपको दुबई के मिलो। लेकिन भाई मिलो। अभी भूख लगी है, जिनको भाई कह रहे हैं आगे दावत मैं करवा रहा हूँ। साके चल रहे हैं ना, भूख लगी है और ये सारे बकवास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। एक झूठ नहीं बोलेगा, केक खाया अभी अभी तूने? देख बॉस के यहाँ पे थोड़ा सा केक खाया। अरे शिवा भाई तुम भी तो आ रहे हो। अरे वहाँ बैठो ना यार। अरे बैठो तो आ जा। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बात। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हैं आप बेटे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप भाइयों? आज हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? नोएडा जा रहे हैं जी। अच्छा, नोएडा जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप तो कुछ सस्पेंस रखो। सिटी सेंटर मॉल। अच्छा, सेक्टर 32, सेक्टर 32 जाने वाले हमारे। yes. कृष्ण कन्हैया जी आज जी, 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 जी। और यहाँ दूसरा भाई हमारा बहुत बिजी चल रहा है। ये देखो इतना बिजी है कि मतलब बता नहीं सकते। और ये बिजी है पता किस में है? अब तुम समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा बिजी रहता है फोन पे अगर भाइयों के होते हुए तो किस में बिजी हो सकता है। अरे बोले बोले हम भी हैं, छोड़ दो उनको। हेलो, कुछ दिन पहले तो ना छोड़ दिए थे वो सारे धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। अब क्या कर रहे हो? नींद वाला ही जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं क्या हो गया, क्या हो, क्या गया ये बताओ। नहीं गुरुजी तो ठीक है, हो क्या गया? स्टैंड खराब है इसका। हाँ इसका जो है ये यार, ये देखो इसका सेंटर स्टैंड खराब हो चुका है। तो, हाँ नहीं नहीं इसका सेंटर स्टैंड खराब है, इसको हटाओ। सेंटर स्टैंड गिर जाएगी ये। और अरे बच्चा ये ईंट का क्या करेगा तू? क्या करेगा ईंट का? अबे किसकी ईंट ले आया चोरी करके? A few moments later. राम राम जी, क्या हाल है भाइयों? हाल चाल तो बढ़िया है। अभी जा रहे हैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे हैं। देसरा जवाना जी हैं मीठापुर गांव से और मेरे साथ हैं अभी कन्हैया भाई। राम राम जी, क्या हाल है भाई? और आप पीछे देखोगे तो पीछे हैं हमारे भाई। दिख नहीं रहे, देख नहीं रहे, थोड़ी देर में दिखाते हैं तुम्हें। ये के लिए ना ना ये वाला घर है, ये सामने वाला घर है भाई। ये? हाँ, ये वाला भाई। तो ये है हमारा मीठापुर गांव। और अभी आए हुए हैं हम यहाँ पर देसरा जवाना जी के जन्मदिन मनाने के लिए, जिनको बिग बॉस के नाम से दुनिया जानती है। भाई आओ सर, आओ। आओ भाई साहब, आओ भाई साहब। ओहो आज तो। अच्छा आप भी हो? आ जाओ भाई, आ जाओ। राम राम जी, क्या हाल है भाई? तो आजा। ये बोल रहा मैं यहीं बैठूंगा आजा। ठीक है आजा। तो अभी भाई लोग आए हैं यार कि आजा आजा अशोक आजा, आजा। तो अभी भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पर बिग बॉस का जन्मदिन मनाने के लिए, जिनको देसरा जवाना जी के नाम से जानते हैं सभी। तो चलते हैं अंदर और करते हैं थोड़ा सा सेलिब्रेशन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी हम हैं मीठापुर गांव में और आज देसरा जवाना जी का है 55वां जन्म दिवस। तो बहुत बहुत मुबारक बिग बॉस जी को उनके जन्मदिन की। और अभी काटेंगे यहां पर केक और करेंगे सेलिब्रेशन कंटिन्यू। अरे शिवा भाई तुम भी तो वहाँ आए हो। अरे वहाँ बैठो ना यार। अरे बैठो तो आ जा। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बात। अरे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां।
बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। थोड़ा थोड़ा खिलाना, ज्यादा नहीं खिलाना है। लेट हो गए तो बहुत हो गए तो मजा जी सी है ना फिर तो टाइम भी तो आता है यार। सिवा तुम भी आजा भाई। Two hours later. दुबई से मैं था भाई राकेश यादव, मैं अपने भाई के साथ टूर पे आया हूँ दुबई पे। ये देखो अभी मैं आपको दुबई के वो बड़े भाई दुबई का ज्वेल भाई के राज में सुबह से रिंकू भाई घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं, पूरा खर्चा तरीके से भाई करवा रहे हैं, पूरी मौज भाई तरीके से भैया। दो ही साथ चाहिए, या तो रिंकू भाई हो या तो फुल मौज, शुरू से फुल मौज वो जो हमें मिल रही है आज। सॉरी भाई, भाई एक नंबर के झूठे हैं, सारे एक नंबर के झूठे हैं। मैं भूखा मर रहा हूं अभी, खाना पीना। इससे मिलो, इससे मिलो, अभी भूख लगी है। रिंकू भाई कह रहे हैं आगे दावत मैं करवा रहा हूं भैया, साके चल रहे हैं ना, भूख लगी है। और ये सारे बकवास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। एक झूठ नहीं बोलेगा, केक खाया अभी अभी तूने बिग बॉस कैंप पे, थोड़ा सा केक खाया बस। तो अभी भाई कितना टाइम हो रहा है रात को? घड़ी देखो, 10:30 बजे रात के, 10:30 बजे गरीब आदमी का फोन है, 9:13 हो रहे हैं, ढंग से देख लो। और अभी निकल रहे हैं रात को हम लोग गेड़ी मारने के लिए, और अभी देखते हैं यार कि क्रिसमस का दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम मीठापुर गांव में हैं और अब यहां से निकल रहे हैं, कहां चल रहे हैं? साके चल रहे सिटी वॉक, सिटी वॉक चलते हैं, और उसके बाद वहां जो अपना चर्च वगैरह है वहां देखते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो भाई साहब कुछ बोलना चाहोगे अपने प्यारे प्यारे भाई? बस अब तो बस हम कुछ अभी भूख लग रही है, पेट हमारा उबाल मार रहा है। जहाँ रिंकू भाई है वहाँ हम है, जहाँ रिंकू भाई है वहाँ हम है। रिंकू भाई जिंदाबाद, रिंकू भाई जिंदाबाद। इससे कुछ नहीं होने वाला, होने वाला तब है जब भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो करते हैं शुरू अपनी जर्नी मीठापुर से साकेत के लिए। तो भाई अब निकल दिए, ओए इसको बंद करो, गाने वाले को उठा लेता है ये, जिनके गाने चल रहे होते हैं ना कॉपीराइट ठोक देते हैं वो। तो भाई अब पहुंच गए हैं मीठापुर चौक पे, और तो भाई आज अपने साथ में बहुत ही विश्वास पात्र आदमी कन्हैया भाई का भाई, फुल मौज है रिंकू भाई के राज में। तो अशोक भाई हैं, 1.5-2 घंटे से कुर्सी पे जो है एलपी चिपका के बैठ गया था बंदा, बोला भाई ऐसा ना हो कि आज मुझे लेकर नहीं जाएं। तो फाइनली भाई का मिशन जो है तो दिन में किसके साथ जाता? दिन में मैं अपने मेरे साथ दोस्त। अच्छा मतलब कहने मतलब है, कहने मतलब इसके साथ भी क्या हो रहा था, स्कैम हो रहा था, दिन में उसको जाने नहीं दिया और शाम को जो है चले जाने का प्लान नहीं था। अब तो भाई हैप्पी है, अब तो फुल मौज है। तो भाई चलते हैं अब और देखते हैं रात को क्या हो रहा है। कौन सा गाना चलाओगे भाई? को भाई का फेवरेट गाना है भाई, कौन सा? सोनीपत के कबूतरा। पता नहीं भाई कौन सा सोनीपत कबूतरा, अब चलेगा सोनीपत कबूतरा। तो यार अपने साथ सीन शॉट हो गया है, जो अपने साथ दूसरे भाई हैं उनकी गाड़ी में जो CNG है, लेकिन अभी नई नई गाड़ी खरीदी है तो भाई को आइडिया नहीं है कि उसमें कितनी CNG थी, क्या था क्या नहीं था। और CNG लगभग ख़त्म हो गई और गाड़ी मेरे ख्याल से पेट्रोल पे चल रही है, लेकिन यार ये वाला पेट्रोल पंप मिला अपने को बंद। तो ये वाला पेट्रोल पंप जो था ये था अपना सरिता विहार वाला, और अभी हम निकलेंगे और जो CRRI से आगे वाला फिलिंग स्टेशन है जहाँ पर अपने को CNG मिलती है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि अपने को CNG मिलती है या फिर हम ही लोग गेड़ी मारने के लिए जाते हैं और भाई को छोड़ देते हैं यहीं पर ही। तो आज क्रिसमस का दिन है और आप देख सकते हैं रात को अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और पूरे के पूरे रोड खाली पड़े हैं। इससे क्या पता चलता है कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर हैं, मीन्स जहाँ भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर हैं, इसलिए सारे रोड खाली पड़े। नहीं तो मतलब ही नहीं होता यार कि दिल्ली में और इस टाइम रोड खाली मिल जाए। तो चलो यार देखते हैं CRRI वाले उस पे कि अपने को CNG मिलती है कि नहीं मिलती है। ये सुनने वाले चच्चा विधायक हमारे, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है भाई, लाइव चल रहा है। कहाँ चल रहा है भाई? चल के कहाँ रहा है भाई लाइव? अरे दुबई में
अरे समझ में नहीं आता ये तुम्हारी, ये समझ में नहीं आएगा, ये तुम बार बार सेट कर लो अपनी सब चीज़ें कर लो। और सीन शॉट ये हो गया कि भाई भूख लग रही है, भूख तो लग रही है, सीन शॉट क्या हो रही है, रात को रात के 12 बजने वाले हैं, आज सुबह से वहाँ पे घूम रहे हैं आपने, बस सुबह क्या कहें रास्ता करवाया, लंच तो वहाँ पे करवाया ही नहीं, अब डिनर टाइम हो चुका है, अभी मूर्थल चले, मूर्थल चल रहे हैं। सीन शॉट क्या हो गया भाई, भाई की गाड़ी ठुक गई। अच्छा फिर क्या हुआ आगे, तुम तो गाड़ी पहुँचे नहीं, हम नहीं पहुँच पाए थे ना, बताओ जरा क्या कांड था भैया, नाम ही बताएंगे, चच्चा भी रहेगा भैया। सीन शॉट ऐसे है, गैस हो गई ख़त्म, भाई ने बना दिया बेवकूफ़, बोला भाई सीएनजी फुल है और अब खड़े हैं बाहर, निकाल दिया, बोला सिस्टम क्या लग रहा है, वो बहन से बदन में नहीं सासे करते हैं वाला। भाई सीन शॉट ऐसे है कि अभी हम जा रहे थे साकेत, तो गैस खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई है, तो अभी गैस डल रही है, और गैस डलने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, ऐसा ना हो तो साकेत ही बंद हो जाए, साकेत बंद ही हो जाएगा भाई, कितना टाइम हो रहा है, कितना वक्त का, ये बज गया 11 बज गए, 11 और है, 11 बज गए, तो मिल जाए, 11 बज गए और देखते हैं इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी जो है हमारे एक अध्यक्ष महोदय भी हैं हमारे साथ में आज, कौन से अच्छा 21 कितना मिला, 21,000 रुपये मिला है, 21,000 रुपये, 21,000 रुपये प्लस और क्या क्या मिला, पगड़ी, पगड़ी पगड़ी मिली है भाई, मोबाइल अलाउड, तो हम मोबाइल कौन सा चला रहे हैं, ये रहे 21,000 वाले, 21,000 वाले हमारे अध्यक्ष ही रहे, बोला भाई कितना मिला, सच बता दे कितना मिला है, 21,000 रुपये मिला है इसको, और कैश कैश भाई है, कैश मिला है, कैश मिला है, और अब जो है अपने को पार्टी वार्टी जरूर देगा, पार्टी कहाँ दे रहे हैं, पार्टी तो मना कर रहे हैं, नहीं ये तो मेरे से बोल रहा कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, अभी वहाँ जा रहे हैं ना राजगंडा, अच्छा नेक्स्ट ब्लॉग बनाने, तो वहाँ वो बता दूंगा क्या होता है, कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी पब्लिक को, नहीं बोलोगे तुम भूख के लिए, भाई देखो यादव ब्रांड वो खड़ी है एक, और लग रहा है तो बढ़िया, और दूसरी गाड़ी है हमारी, और ये निकलते हुए गाड़ी, निकलते हुए क्या बैठते हुए हमारे गाड़ी में निकलते हुए, और भाई साहब हमारे कैश पेमेंट कर रहे हैं, बोले प्लास्टिक मनी ही अब चलानी है मुझे, कुछ डाल दिया पिन, छोटू भाई बैठो, और बैठो भाई राकेश, बैठ इसमें बैठ, बैठो तो भाई बैठ, बैठ बैठ बैठ, अरे चलो यार, चलो चलो, तो भाई ये गाड़ी अपनी ये हो गई है, और भाई आप तो बैठो, अभी प्लास्टिक मनी का यूज़ होने वाला है, और बाहर 60 डिग्री है गुरु जी, नहीं ये तो ठीक है भाई साहब, ये बताओ कि अब तो सीएनजी फुल हो गए तो चल लोगे, हाँ तो पहले कुछ खाएंगे, वो कुछ खा लेंगे, अध्यक्ष साहब पीछे बिठा रखे हैं, उनको सेटलमेंट कर लो तुम, और मूर्थल, मूर्थल में आज पार्टी पक्की है, नहीं नहीं मूर्थल नहीं, पहले प्लेटफॉर्म में दूसरे स्टेशन पे खाएंगे बैठ के, तो भाई अभी अपनी गाड़ी खड़ी है और बैठते हैं इसमें, और ओहो सारथी साहब क्या हाल चाल है, तुम बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते हो भाई, बस जी जी रहे हैं आपकी नगरी में, तो भाई अब पहुँच गए हैं स्लैक सिटी बॉक, और अपने भाई लोग चल रहे हैं साथ साथ में, और करते हैं अभी अंदर इंटरटेन, और दिखाता हूँ आपको अंदर से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अभी गाड़ियाँ खड़ी करी हैं पार्किंग में, और करते हैं आगे की कार्रवाई चालू, ये लो जिस बात का डर था वही भसड़ हो गई, क्योंकि पहुँचने में हो गए लेट और एंट्री हो गई है बंद, अब ये बोल रहे हैं कि जिन भाइयों ने मूवी देखनी है वो अंदर जा सकते हैं, जिनके पास में ऑनलाइन बुकिंग है, और अपनी तो बुकिंग है नहीं भाई, तो निकले अब यार किसी पब की साइड को देखते हैं, और थोड़ा सा करते हैं इन्जॉय इन्जॉय और इन्जॉय, यार मूड हो गया ख़राब, क्योंकि अब निकले हैं बाहर तो देख रहे हैं कि सारे का सारा मॉल बंद है, तो अब थोड़ा सा चलेगा यहाँ पर फ़ोटो सेशन, और फ़ोटो सेशन करके फिर निकलते हैं थोड़ा सा, और कुछ देखते हैं खाने पीने का, और निकलना पड़ेगा घर की साइड को, तो लग तो रहा है ये वाली जो क्रिसमस का जो ब्लॉग था ये अगली बार ही पूरा होगा यार 2019 में ही, तो ये भाई चल रहे हैं फ़ोटो शूट में, चलने दो इनको, तो चलो यार करते हैं थोड़ा सा निकलते हैं, और थोड़ा सा आगे देखते हैं अंदर की साइड को क्या है, तो अंदर की साइड को तो मोस्टली अब सारा बंद ही है, क्योंकि बस ये देख लो भाई रात में बस पानी पानी दिखेगा, बाकी कुछ दिखने वाला नहीं है, अब बस पानी चलता हुआ दिखेगा, मॉल चलता हुआ नहीं दिखेगा, मॉल तो हो गया टोटली बंद भाई, यहाँ हो रही है फटी ठंड हो रही है, और अभी आए हुए हैं हम आपके सिलेक्ट सिटी वॉक में, और यार पहुँचने में हो गए लेट, क्योंकि भाई का हो गया था एक का एक्सीडेंट, पहले वहाँ चले गए,
तो जब तक यहाँ पहुँचे तो टाइम हो गया 11:30, मॉल हो गया बंद, लेकिन फिर भी हमने कहा यार चलो एक बार घूम के ज़रूर आते हैं। अब गाड़ियाँ जो है पार्किंग से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, तो बड़े उदास है मेरे भाई की। मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा उदास है मेरा भाई की। मैं बोल रहा था डायरेक्ट आ जाओ साकेत, तो बहुत बहुत उदास है मेरा भाई, मैं बहुत गम में हूँ यार। क्या बोल सकते हैं यार, बैड लक है ये अपना, बैड लक। वीडियो बना है और कुछ खाते हैं, ये वो दो भाई हैं, ये वो बंदा जिसने हमारे सारे के सारे प्रोग्राम को खराब करवाया। नहीं ये भाई फोटो खेलते हैं, और ये तीन भैया ऐसे हैं। राम राम जी, क्या हाल है भाई, भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। अभी जाएंगे जामा मस्जिद, जाएंगे अभी जाएंगे जामा मस्जिद जाएंगे, अब कुछ नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मेरे भाइयों के। भाई पिछले कल था क्रिसमस जैसे कि सबको पता है, और रात को हम लोग निकले थे क्रिसमस मनाने के लिए। मतलब देखते थे, मैंने कहा यार तो ठंड बहुत है यार, मैंने कहा देखते हैं कि क्या चल रहा है टेम्परेचर बाहर का, क्या नहीं है क्या है। तो न्यूज़ में देख रहे थे कि टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड है यहाँ का, दिल्ली का। लेकिन इसके बाद भी निकले थे हम थोड़ा सा घूमने के लिए, लेकिन दो ट्रेजेडी हो गई अपने साथ में, और उसके बाद में एक सेलिब्रेशन भी हो गया। जैसे कि पहले तो हम गए थे बर्थडे में, जो कि अपने बिग बॉस हैं उनके बर्थडे में, तो उनका वहाँ पर जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जो है हम लोग निकले साकेत के लिए। तो जैसे हम लोग साकेत के लिए निकले, तो वैसे अपने भाई थे उनका कॉल आ गया कि कालिंदी कुंज पर उनका यार एक्सीडेंट हो गया है। फिर तुगलकाबाद के जो गांव की वाली रेड लाइट है वहां से फिर दोबारा वापस मुड़े और कालिंदी कुंज पहुंचे। वहां जाकर देखा तो भाई की गाड़ी को हिट किया था ऊबर की गाड़ी ने, और वहां जाकर देखा यार कि जो ड्राइवर था वो भी जान पहचान का निकला। तो मैंने कहा वीडियो बनाना उसका ठीक नहीं है, तो फिर हमने उसको बोला ठीक है यार कोई बात नहीं भाई, जाओ आप भी। और उसके बाद फिर दोबारा निकले साकेत के लिए, और जब तक साकेत पहुंचे तब तक मॉल हो गया था बंद, क्योंकि कल क्रिसमस था, तो क्रिसमस के उपलक्ष में उन्होंने जो था मॉल को 9:30 पर ही क्लोज कर दिया था। उसके बाद में हम गए, उससे पहले यार एक सीन और हो गया कि अपना जो था पार्किंग में गाड़ी नहीं ले रहे थे, तो फिर अपने छोटू भाई हैं संगम बिहार से, उनको कॉल किया क्योंकि उनकी वो पार्किंग है उनके जान पहचान वालों की, तो उनको कॉल किया भाई गाड़ी खड़ी करवा दो। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया तो अपनी गाड़ी वगैरह वहाँ खड़ी होगी। फिर थोड़ा सा गए अंदर, एंट्री नहीं मिली, लेकिन थोड़ा सा देखा कुछ कि बने कुछ माहौल, लेकिन माहौल बना नहीं। तो फिर वापिस आ गए और रात को लगभग 2:45 के आसपास घर पहुँचा, और उसके बाद आके सो गया था। और अब उठा हूँ तो वो होते हैं फ्रेश, और फिर देखते हैं आज का जो भी अपडेशन है वो, और उसके बाद कंटिन्यू करूँगा और आपके साथ मैं बताऊँगा, और इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं गया था दिन में, मतलब शाम के टाइम गया था रिलायंस मार्ट फरीदाबाद में, तो वहाँ का थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पर क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट हो रहा था, क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग है क्रिसमस के ऊपर, अब तो उम्मीद ही रखूँगा कि नेक्स्ट ईयर ही आएगा। बाकी अभी जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो हम बहुत धमाल से करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है उसकी, तो उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो कमेंट्स वगैरह हैं उनको कंटिन्यू करें, लाइक शेयर करना स्टार्ट करें। यह है अपना सेंटा जो कि आपको मिलेगा अपने वीडियो में देखने के लिए। क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका, नाम जो सेंटा नाम कुछ आता है, चिराग नाम है ये भाई अपने, इनका नाम चिराग है, कहाँ रहते हो आप। तो सेंटा बोल नहीं रहा, बोला सेंटा बोलेगा तो मुंह हिल जाएगा इसका, ठीक है। तो बेटा कुछ बोलोगे, आप यूट्यूब पर आओगे,
हाँ हाँ आप YouTube पर आओगे, नहीं बोलोगे कुछ भी? चलो मत बोलो कुछ भी। तो यार ये है अपना रिलायंस मार्ट फरीदाबाद, जहाँ पर मैं आया था दिन में। तो यहाँ पर जो था इस तरह से मॉल में डेकोरेट किया हुआ था। दिन में आया था मैं अपनी फैमिली के साथ में, तो उस टाइम में एक छोटा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह डेकोरेट किया था, एक किया था आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पर और एक किया था टॉप फ्लोर पर। तो मैंने मोस्टली कोशिश की है दोनों को आप लोगों को दिखाने की। तो इन्जॉय करो जाते जाते, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और उम्मीद करेंगे कि ये क्रिसमस जो है आपके लिए और आपके जीवन में जो है आपकी फैमिली के लिए जो है बहुत सारी खुशियां लेकर आए। सो लव यू गाइस, बने रहो इन्हीं यादों के साथ में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। लव यू गाइस, बाय बाय।